बहुत ढूंढा, इतनी सी देर में कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। ये लीजिए सरकार, मुझे जूता मारिए, मुझे जूता मारिए, ये सब मेरी गलती है सरकार। सरकार, ललिता सरकार, ललिता बेटे,
सोया, सोए सारे मैं न सोया। दिन कैसे भी कट जाए पर रात न बीते है, मेरा दिल ना कुचल देना तेरे पांव के नीचे है। जानू जान जाना जानम, तू क्या चीज है, अजीज है मैं मानू ना। जादू 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 जादू, चारों तरफ ये कैसा जादू, तेरी नजर उफ तेरी अदा कर रही है कैसा जादू। जानू जान क्या चीज है, मैं जानू ना, मुझको अजीज है मैं मानू ना, तू क्या चीज है। क्या हुआ, सुना है कि राय साहब को हार्ट अटैक आया है? नहीं, डॉक्टर आने वाला है। ओफो, तुम तो कमाल करते हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे बैठो डॉक्टर, क्या जान ले ली। दरअसल क्या आजकल के बच्चे ना अपने बुजुर्गों की बात समझते हैं ना उनके जज्बात को समझते हैं, तो ऐसा झूठ मूठ का नाटक तो करना ही पड़ता है ना। अब अपने पोते राज की शादी करने के लिए मैं भी झूठ मूठ का हार्ट अटैक का नाटक कर रहा हूँ, मेरा साथ निभाना डॉक्टर। अरे मेरा सर इतना भारी है भाई, एक ब्लैक कॉफी पिलाओ। क्या हो गया काकी, क्या हो गया इन सब लोगों का, ये ऐसे? दादाजी, दादाजी क्या हुआ दादाजी को? अंकल क्या हुआ? अंकल बेटा, मैं एक डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उनकी जिंदगी प्यारी है तो उनके लिए एक बहू ले आना। बहू? लेकिन दादाजी, राय साहब। अंकल, अंकल बेटा, तुमने अपने दादाजी की दर्द भरी आवाज सुनी? जी दादाजी। याँ, अब क्या होगा अंकल? बेटे, उनका दिल तड़प रहा है तुम्हारी बहू को देखने के लिए। लेकिन अंकल, इतनी जल्दी इनकी बहू ले आओ, ऐसे कैसे? अब देर मत करो, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो। नहीं नहीं अंकल, लेकिन मैं कहाँ से? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। जाऊं कहाँ? जाऊं बांके। ओए रे मेरी माँ, मोहिनी तो अभी तक आई नहीं, अब क्या होगा? कोई बात नहीं बांके, अब तेरे को ही अपनी नौटंकी की इज्जत बचानी होगी। हाँ हाँ हाँ, अरे ठहरो, अरे ठहरो, अरे काय को इतना शोर मचा रहे हो? मैं आ गई हूँ ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांति शांति। मोहिनी अभी तक आई नहीं, लेकिन वो आ जाएंगी। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, जब तक वो नहीं आती, ये बांके है ना आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहने तो है नहीं, और भाइयों तैयार हो जाइए मनोरंजन के लिए। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करूं तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। आ जा मेरी, बच्चा का।
बोलो ये बांकत वाले क्या कर सकता है? मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नौकरी? लो, मांगी भी तो सिर्फ नौकरी। अरे वो तो मैंने तुम्हारा नाच देखते ही दे दी थी। सच भैया? भैया? तुमने मुझको भैया कहा? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन। वो क्या है कि जमाने ने आज तक सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया है। किसी ने मुझे कोई रिश्ते के लायक समझा ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक दोस्त है राज, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया है। अरे बांके, अरे किधर है यार तू बांके? यही है वो राज, आ गया मेरी खुशियां छीनने। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्या है यार? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दादाजी की तबीयत खराब हो गई है और वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि बहू चाहिए बहू चाहिए। इसीलिए मैं तेरे से कह रहा था कि शादी कर ले शादी। मजाक मत कर यार, अब एक बहू का इंतजाम करके दे दे मुझे। अरे मैंने इधर को मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं कहां से बहू का बंदोबस्त करूं? अरे तू ही कर सकता है ये, तू ही कर सकता है। ना बाबा ना। हाँ बाबा हाँ। अरे मुझे कौन सी परमानेंट चाहिए, टेम्पररी चाहिए, भाड़े पे चाहिए। दादाजी ठीक हो जाए वो चले जाए। ओ, छोटी चाहिए लंबी चाहिए मोटी? अरे यार घरेलू टाइप चाहिए, सीधी साधी साधारण। टेम्पररी चाहिए ना? जा मिल जाएगी। मिल जाएगी? हाँ कल सुबह। हाँ चलता हूँ मैं। दादाजी को मेरा प्यार देना। दे दूंगा, तू भेज देना। अरे बोल तो दे, लेकिन बंदोबस्त कहां से करूंगी? उई माँ, मालिक मालिक मालिक, बहुरानी आ गई, बहुरानी आ गई। मालिक बहुरानी आ गई, बहू आ गई, देखो। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये ले फेंक दिया। अच्छा हो गया, मैं बैठ मेरे पास बैठ। दादाजी मैं शिखा। यही आपकी बहू है। अरे तू मेरी तरफ देख। कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादाजी ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं है। अबे साले भांगे, तुझे और कोई नहीं मिली थी जो नौटंकी को ले आया? क्यों, उसने तेरे को काट लिया है क्या?
अरे सुन, उसे मैं यहाँ पर तेल लेने लेकर आया हूँ। देख दादाजी अंदर कितने खुश हैं। लेकिन मैं उसे खुश नहीं हूँ। अरे तेरी खुशी को कौन पूछता है, और फिर वो यहाँ पे रहने थोड़ी आई है। अरे कम से कम हमारे घर का स्टैंडर्ड तो देखा होता। जल्दी में इसे बेहतर नहीं मिल सकती थी, और फिर तुम्हारा काम तो हो गया ना। चलो भैया। क्या हुआ? इनके दादाजी सो गए। चलो जाती हूँ मैं। अरे वाह, लीजिए तेवर तो देखिए, खुद को मधुबाला समझती है। क्या मुझे मधुबाला कहा? अबे तुझे नहीं, तू जा। शाबाश, लेफ्ट राइट चम चमा चम चम चमा चम। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मगर वो तो चलेगी दादाजी। कैसे चलेगी, मैंने अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं। तूने भोकू जाने कैसे दिया? वो अपने घर गई दादाजी। जाओ उसके घर से लेकर आओ उसे, अभी लेकर आ। दादाजी मैं नहीं जानता, अभी लेकर आओ उसे। यार तुम बहुत नाटक करते हो। अरे यार तो क्या खाली बच्चे ही नाटक कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर सकते हैं क्या? अलग निरंजन, इस ब्राह्मण को भिक्षा दे माई, तेरा कल्याण होगा। ठहरिए महाराज, अभी लाई। ये लीजिए महाराज, फल ग्रहण कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ये तो मायावी रेखा लगती है माई, ये ब्राह्मण बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता। भिक्षा देनी है तो इस पार आके दे, इस पार। नहीं नहीं महाराज, इस रेखा को मैं पार नहीं कर सकती, अपने देवर की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। अलग निरंजन, तेरे दर से माई खाली हाथ हम चले, भिक्षा तो ना मिली खाली हाथ हम चले। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना तो बड़े अपशकुन की बात है। नहीं नहीं ठहरिए महाराज, ये लीजिए। रावणा रावणा, मैं रावण हूँ, रावणा सीते। मैं तुम्हें किडनैप करूंगी, किडनैप करूंगी सीते। हट, दादाजी की तबीयत फिर खराब हो गई है, मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। राम बात बंद करो, आइए अभी तुम। सीता को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो राम की थी, राम ले गया। तालियां श्री रामचंद्र की। नीचे मैं कहता हूँ, नीचे गाड़ी ठुक जाएगी। गाड़ी रुको, क्या कर रही है? मैं कहती हूँ रुको गाड़ी। अरे क्या कहाँ ले जा रहे मुझे? अरे दादाजी के पास बोला ना। बकवास मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्लीज। देखो दादाजी बूढ़े हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, इसके लिए तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या सोच रही हो ललिता? जेबी से बचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे सोच क्या रही हो? प्लीज प्लीज प्रिटी प्लीज प्रिटी प्लीज। क्या दे सकते हो? ये हड्डी क्या बोलती है? अब देखना मैं कैसी बहू बनकर दिखाती हूँ हमारे दादाजी को। अरे वाह। दादाजी ये। अरे देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी। अरे बेटी तू कहाँ चली गई थी, और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर मंदिर, आपकी लंबी उम्र के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है, और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ रह जाए, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जुग जी बेटा, इसको इसका कमरा दिखा देना। जी ए, कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों को नसीब होती है। क्या बहू है। दादाजी आप ये चिकन टेस्ट करके देखिए कैसा है। दादाजी भी बीमारी से उठे नहीं हो, तू इतना हैवी खाना खिला रही है। अरे सूप पिलाओ, उबली हुई भाजी खिलाओ, ये सब मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। रखो तक कुछ नहीं मिलेगा, चाट का खाना खिलाओ। मेरा खाना लेगा, मैं अभी लाती हूँ। लाइए मालिक। मालिक जब से शिखा बिटिया इस घर में आई है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मालकिन रूप बदल के घर में आ गई है। हाँ दुर्गा ठीक कहती हो, हमें भी ऐसी लगता है। अब तो अगर मिस्टर यमराज भी हमें लेने आए तो हम कह देंगे जाइए कोई और घर देखिए, अभी हमें शिखा और राज कांस्ता खिलता संसार देखना है, हम नहीं आते। Ha 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 ha
क्या है कर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए अच्छा प्यारे पास हमारे कर घबराए का कुछ बात कीजिए ना दादाजी दादाजी क्या हुआ कुछ नहीं ऐसे मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी तू कहानी सुना ना आप कहानी सुनेंगे दादाजी क्यों मैं नहीं सुन सकता सुना ना बुलबुल और सयाद की सुनाऊं हां सुना एक बुलबुल थी बिल्कुल अकेली ना उसका कोई सरपरस था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके एक रात एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई उड़ तो गई लेकिन जाती कहां उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था पर तकदीर को उस पर रहम आया वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था वहां उसे सहारा भी मिला अपनापन भी मिला बहुत सारा प्यार भी मिला इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा कहीं वो सयाद वापस आकर उसके उसके पर तो नहीं काट देगा कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे अरे अरे तू क्या कर रही है कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी अरे नहीं बेटा नहीं तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी जस ललिता सरकार जब से ललिता मरी आप नहीं मति ललिता मरी नहीं है वो जिंदा है वो जिंदा है हमारी यादों में जिंदा है हम मत पीजिए देखिए आपने अपनी क्या हालत बना रखी है अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ हजारों ललिता आ जाएंगी हजारों तो कांच के टुकड़े होते हैं ललिता ललिता तो एक ही है हमारी ललिता जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता ललिता कैसे भूल सकते हैं हम वह सी रात जब तुम्हें देखते ही हम अपनी अपनी सुदबुद्धि खो बैठे थे ले बेटी इसमें इस घर की यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं ये आज से तेरे हवाले नहीं नहीं दादाजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती और कोई नहीं संभाल ठीक है आप कहते हैं तो रख लेती हूँ क्या कर रहे हैं दादाजी सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ ले संभाल बेटी नहीं नहीं दादाजी ठीक नहीं दादाजी दादाजी ठीक नहीं आप रखिए आपके हाथों में अच्छा लगता है ये ठीक है ना दादाजी धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ क्या बोल रही है मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है दादाजी हम दोनों की शादी नहीं हुई ना ओ शादी का एतराज है अरे गधे तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है अभी होने वाली है और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी ये तेरे हवाले समझ गया समझ रहा हूँ मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा ल
रहेगी। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव। ये क्या पतिदेव पतिदेव लगा रखा तूने? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। परेट क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ जो आ गया पतिदेव। अरे ये बार बार पतिदेव पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात में। ये ले 5,000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, कहाँ ये नौटंकी? राजा भोज कमजोर नहीं ली। बचपन से जिस प्यार दुलार की तलाश थी वो सब मुझे दादाजी के यहाँ मिल गया। इस घर की खुशियाँ सदा बनाए रखना। अगर हमारे घर की खुशियाँ चाहता है भगवान तो प्लीज उस नौटंकी वाली को हमारे घर से निकाल दे। प्लीज कुछ चमत्कार कर दे भगवान। और हाँ मुझे मेरी मूर्ति से तो मिला दो भगवान जी। तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सिवाय एक बहू के। शिखा के आ जाने से वो कमी भी तूने पूरी कर दी। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखना भगवान। इन दोनों पे अपनी कृपा रखना दादाजी। अरे शिखा बेटी पकड़ी है। पकड़ी है? अरे झुक झुक जी हो बेटी। पहुंचो क्या? पहुंचो ये पहली बार इसने मेरे पैर छुए हुए ना, हमेशा हाय हेलो करता रहता है। तेरे कारण इसके मरे हुए संस्कार दोबारा जिंदा होने लगे। सुनिए पंडित जी मेरा नारियल तोड़ दीजिए प्लीज। और पिया घर यार बाके, वो तेरी जो ए बाके, अबे बाके मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सुन तो रही हूँ। ओ सुन, हाँ बोल। वो तेरी शिका बहुत गहरी चाल चल रही है, उसने मेरे दादाजी को मुट्ठी में बंद कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है यार, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उस लड़की ने। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है वो। इट इज वेरी सिंपल, उसे घर से बाहर निकाल दो। अरे अगर उसे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तो दादाजी मुझे ही घर से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने तो फैसला कर लिया ना बहू बनाने का। ये भी ठीक है। बाकी आई रियली डोंट लाइक हर यार, प्लीज डू समथिंग प्लीज। काश मुझे मिल जाती मेरी मूर्ति तो। कहाँ चल दिए? क्या मेरी चाल थी, इसने इतना अच्छा मेकअप किया कि इसको पहचान ही नहीं सका। ये भी वो भी ये, 2-in-1। चुरा के मेरा तू दूर कहाँ चली? चली 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 मैं गुलाब की कली, दिल चुरा के तेरा मैं दूर कहीं चली। हे रबी रे रली गुलाब की कली, दिल चुरा के मेरा तू दूर कहाँ चली?
जादू करनी है या मिश्र की डली, दिल चुरा के मेरा तू दूर कहाँ चली। दे रहा था मैं, मुझे छोड़कर कहाँ चल दी मिस मिस मूर्ति। मूर्ति? व्हाट मूर्ति? माय नेम इज कविता कृष्ण मूर्ति। कविता? कविता यानी मेरी मोहब्बत की पोएम। हाय हाय, कब से तड़प रहा था दीदार के लिए, आंखें तरस गई अपने यार के लिए। आई लव यू, आई लव यू। ओह नो 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 नो, आई डोंट बिलीव इन लव, आई बिलीव इन मैरिज। शादी? ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है, तो ले चलो घर। कैसे ले चलो घर, वहां तो शिका है। शिका? शिका, शिकार दादाजी, शिकार दादाजी शिकार पर गए। दादाजी शिकार पर गए, उनसे परमिशन लेंगे फिर शादी बनाएंगे। बांके भैया, बांके भैया, बांके भैया कहाँ चले गए? बांके भैया डर गई ना? डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई। लेकिन अब जो मैं बताने आई थी वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मत बताओ, मुझे सब कुछ मालूम है। यही ना कि दादाजी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और राज तुम्हारे प्यार में ताथैया ताथैया दीवाना हो गया है। लेकिन वो मेरे प्यार में दीवाना कहाँ हुआ है, वो तो उस परकटी के प्यार में दीवाना हो गया है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। डोंट वरी, ईट फिश करी। अब क्या हो गया? सोच रही हूं, मेरे बीते हुए दिनों के साए मेरी खुशियों पर काली रात बनकर न छा जाए, मेरी जिंदगी के सूरज को ग्रहण बनकर न निकल ले। मैं नहीं भूल सकती उस शैतान को जिसकी पहले ही नजर ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी।
मदनलाल, लो पियो। नहीं साहब, ये तो विदेशी है, ये हमारी किस्मत में का। और फिर हम अकल के दुश्मन थोड़ी हैं जो आपकी बराबरी करेंगे। मदनलाल, अब तुम बराबरी कर सकते हो, पियो। आप मजबूर करते हैं तो हम पी लेते हैं। और इन्हें भी रख लो, तबीयत अंग्रेज हो गई सरकार। मती, ये वो शह है जिसे दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। ले लूं सरकार? रख लो। सरकार, आपने तो हमारी तकदीर ही बदल दी सरकार। अरे आप तो हमारे भगवान हैं। ना 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 मदी जी ना, हम तो तुम्हारे दामाद हैं। हैं? दामाद। दामाद? हाँ मदनलाल, हमने फैसला कर लिया है कि हम तुम्हारी भांजी ललिता से शादी रचाएंगे। सरकार आप सच बोल रहे हैं ना सरकार? मैं ललिता को ये खुशखबरी सुना के आता हूँ तो पागल ही हो जाएगी। तो मैं ये बोतल ले जाता हूँ सरकार। अरे ललिता, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे ओ ललिता, अरे आंटी, आंटी मेरी ललिता के भाग खुल गए, मेरे सरकार मेहरबान हो गए उस पर, शादी करना चाहते हैं। ये देख देख, शगन में कितने रुपए दिए उन्होंने। लगता है इन पैसों के बदले में मुझे बेच कर आए हो अपने सरकार के पास। तुम ठीक कह रहे हो बेटी, हमको भी नोटों से धोखे का बू आ रहा है। अरे ओ बुढ़िया, अकल की दुश्मन आंख से तो अंधी है ही, इसकी जिंदगी में क्यों अंधेरा करना चाहती है। अरे मैं इसका मामा हूँ, मामा, और वो भी सगा। इसका भला बुरा मुझसे ज्यादा और कौन सोच सकता है? अपना भला बुरा मैं खुद सोच सकती हूँ। अरे रानी बन के राज करेगी तू? मुझे नहीं बनना रानी। अकल की दुश्मन। अरे सरकार आप? मदनलाल, ललिता पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत? नहीं सरकार, मैं तो समझा रहा था उसे। आंटी, आंटी जी आप बुजुर्ग हैं, ललिता भी आपको मां समान मानती है। मैं ललिता से शादी करना चाहता हूँ। आंटी, इनसे कह दो मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती। अरे बेटी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। ललिता, हमने तो तुम्हें उसी रोज अपना बना लिया था जिस दिन तुम्हें नजर भर देखा था। यकीन मानो, नजरों से फिसल कर तुम हमारे दिल में ऐसे समा गई हो कि अब तुम्हारे अलावा। ललिता, हम तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने देंगे, बस तुम हमारे साथ खुश रहो। हेलो, क्या हाल है चौधरी? कैसे हैं आप? ठीक हो क्या भाई? नाइस, बहुत दिनों के बाद। हेलो सर, हिमालय सिंह, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तुम तो धसते ही चले जा रहे हो यार। एक्सक्यूज मी, फोटो मत खींचे प्लीज। वन मोर फोटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। देखिए मुझे पसंद नहीं। थैंक यू। देखिए बस कीजिए। राजे, ये
ठीक है आदमी, तेरी ये मजाल। कहाँ जा रही है? जाने की कोशिश की तो जमीन में जिंदा काट दूंगा। जेबी के साथ चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलना, कभी हिम्मत भी ना करना। याद रखना, तेरा हंसना, तेरा रोना, तेरी एक एक सांस हमारी मोहताज है। सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात। पंछी जब बार बार उड़ने के लिए पर खोलने लगे तो उसके पर काट देने चाहिए, फिर वो उड़ नहीं पाएगा, बस फड़फड़ाकर यहीं रह जाएगा हुजूर। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रो देवाय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम। ललिता बेटी क्या हुआ? ललिता सरकार कुछ कीजिए ना सरकार। ललिता जल्दी डॉक्टर को बुला दीजिए, अभी तो अच्छी बनी थी, ये तो फेरों से पहले ही बेहोश हो गई। पानी पानी। ए, बेटी अभी लाया, अभी लाया, अभी लाया, अभी लाया पानी। अच्छा वो तो ठीक हो गई और तुझे होश आ गया, तो मेरा भविष्य खतरे में था। ये ले बेटा। अरे अभी यही थी, अभी यही थी। और हम अपनी चाहत, अपने जुनून, अपनी दुनिया ललिता को आंखों के सामने कुचलता हुआ देखते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। मदन लाल जी, उस रात एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की आपकी भांजी ललिता नहीं थी। क्या ललिता नहीं थी तो कौन थी? शेरू तुम खुद ही बता दो उस रात क्या हुआ। बोलो। माय बाप, उस रात
उस रात मैं और उसके बाद मैं अपनी बेटी का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाया कभी नहीं देख पाया। गलत फहमी में ना रहना, अगर तुम हमारी ना हो सकी तो दुनिया में तुम किसी की भी ना बन सकोगी। सरकार 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 सरकार, अगर उस बुढ़िया का पता मिल जाए तो ललिता खुद ब खुद मिल जाएगी, लेकिन वो अंधी बुढ़िया गई कहां कुछ पता नहीं चल रहा। सरकार मैंने उसे मत दे, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ललिता की तलाश में अगर जमीन आसमान एक करना पड़े तो कर दो, हमें ललिता चाहिए। ललिता आ गई बिल्ली रास्ता काटने। अरे इस बिल्ली का बस चले तो न जाने क्या क्या काट ले। अरे ओ परे हट देख मूड अच्छा खराब मत कर, पहली बार जा रहा हूँ अपना रंग जमाने। हाँ पीछे मैं भी चलूं? क्यों रंग में भंग करने के लिए? बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। अरे हट यार, कहा वो और कहा तुम यार, रड़ो पीछे आजा भोज गंगू तेली वाली। क्यों उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अरे उसमें वो सब कुछ है तो तुझ में नहीं है। हाँ। I'm not afraid to die.
रानी चेहरे वाले दिल वाले के दिल वाले दो चार महीने में ही ओ मेरे होने वाले नो रानी चेहरे वाले दिल वाले के दिल वाले दो चार महीने में ही ओ मेरे होने वाले। कविता कैसे नहीं आई और ये कैसे वहां पहुंच गई? मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया था। पढ़ी आई क्या कर रहे? पागल हो गए? ऐसे अच्छा हुआ कि कभी डाली नहीं आई, इसे देख ली तो गड़बड़ हो जाती है। हेलो 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 डार्लिंग। हेलो हेलो डार्लिंग माय लाइफ माय लव। अरे तुम कहाँ थी डियर? कितनी देर तुम्हारा इंतजार किया मैंने वहाँ। ओह आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मैं क्या करती, मेरा टायर पंक्चर हो गया था। ओह तुम ठीक तो हो ना? वैसे अच्छा क्या तुम नहीं आई, वहाँ मेरे पीछे एक पागल भैंस बढ़ गई थी। पागल भैंस? हाँ बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ। ओह थैंक गॉड डार्लिंग, मैं तो डर गई थी। आई लव यू डार्लिंग। स्वीटी पाई, अब हमारे बीच में दुनिया की कोई भी वॉल, मेरा मतलब है दीवार नहीं आ सकती। मैं देखता हूँ कैसे दीवार नहीं आती। कौन बोल रही आप? Oops! लगता है क्रॉस कनेक्शन हो गया डार्लिंग। डार्लिंग? ए बुढ़े, फोन रख। बुढ़े? नहीं। ये उम्र नहीं है तेरी ये बातें सुनने की। अरे बदतमीज, तू बुढ़ी, तेरी माँ बुढ़ी, तेरा पूरा खानदान बुढ़ा, तेरे पड़ोस वाले बुढ़े, तेरा पूरा मोहल्ला बुढ़ा। Oh shut up you old man। Old man किसको बोलती है? फोन रख। ये लड़की फोन रख। तू रख, मैं नहीं रखती। तमीज नहीं तुझको? तू फोन रख। तू रख। तू फोन रख। फोन रख। फोन रख। तू रख। कवि प्लीज डोंट फाइट, ये मेरे दादाजी हैं। Oh my god। जी दादाजी। क्या हो रहा था? फोन पर किस बेशरम लड़की से बात कर रहे थे तुम? जी वो मूर्ति से। क्या? नहीं वो मूर्ति नहीं है, कृष्णा मूर्ति, कविता कृष्णा मूर्ति। मैं जल्द आपसे मिलाने वाला था। मुझसे मिलाने वाला? जी हाँ। काहे के लिए? जी वो शीखा जैसी नेक और शरीफ बच्ची घर में बैठी है और तू बाहर गुलछर उड़ाता फिर रहा है, बेशरम बेहया। दादाजी आप नहीं, आप समझ। दादाजी क्या हुआ दादाजी? अरे बेटी ये तुझे घर में लेकर आया और बाहर। बाहर? बाहर क्या दादाजी? मुझे बोलते हो शर्म आ रही बेटी, इश्क हो गया इनको, फोन पे गंदी गंदी बातें करते हैं। कैसी बातें? क्या बोलूं बेटी, आई लव यू डार्लिंग। दुनिया की कोई दीवार हमारे बीच में खड़ी नहीं ये हो सकती। मैंने नहीं कहा था, उसने कहा था। उसने कहा या तूने कहा? एक ही बात है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। मानूंगा बदतमीज कहेगा। तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे तो कर्म ही फूट गए, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऐसे निर्दयी के साथ प्यार कर बैठी। मैं जा रही हूँ। नहीं बेटी, नहीं बेटी, नहीं किसी का बेटी, रुक जा। अरे क्या करती हो तुम? अरे कोई है? संभालो ये, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। दादाजी क्या हो गया? दादाजी दादाजी मुझे माफ कर दो दादाजी, देखो मैं आ गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी दादाजी, मैं नहीं जाऊंगी दादाजी, मुझे माफ कर दो। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी फोन करो ना, डॉक्टर साहब को अभी यहाँ बुला लो। हेलो रशीद अंकल, जल्दी आइए, दादाजी की तबीयत फिर। दादाजी सरकार सरकार सरकार, ललिता का पता चल गया है, मेरा मतलब है उस अंधी बुढ़िया का पता चल गया है, वो नेशनल अस्पताल में है। और ये मैं जानता हूँ कि जहाँ वो अंधी बुढ़िया होगी, ललिता उससे मिलने जरूर जाएगी सरकार। कौन? ललिता माय चाइल्ड, कैसा है तुम? बहुत दिनों में आंटी का याद आया। हाँ ये सब क्या है? तुम तक पहुंचने के लिए मुझे लड़का बनना पड़ा। जेबी और मामा शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे, उनसे बचने के लिए
तुमको हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाना पड़ा बेटी, अगर तुम न होता तो। ऐसा मत कहो आंटी, हम तो गॉड से हरदम तुम्हारा सुख के वास्ते प्रे करता है। बेटी तुम किधर था? एक ऐसी दुनिया में जहां दादाजी का अपनापन मिला, राज का प्यार मिला। राज? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है वो मुझसे। एक दिन तुमसे जरूर मिलाऊंगी। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, भगवान तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। नंबर वाली औरत के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ। कि उससे मिलने कोई आता है या नहीं, तो आज 6 महीने के बाद कोई उससे मिलने आया है। कोई लड़की थी? नहीं लड़का, वो भी पतली मूंछों वाला, अभी भी यहाँ से गया है। डार्लिंग, हम और कितना दिन ऐसा छुप छुप के मिलता रहेगा? क्या है, जब तक दादाजी नहीं मिल जाते ना तब तक। क्यों, खो गया है? इसी लॉन? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के किचन की खुशबू सूंघोगे तो पागल हो जाओगे। वहाँ बैठते हैं, चलो चलो। वो आजकल इतने बिजी हैं कि मुझे भी कभी कभी हफ्ते लग जाते उनसे। क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में क्या करने आए हैं? खाना खाने आए हैं भाई। कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। वो घर का उबला हुआ खाना खा के मेरा मुंह उबल गया है। मैं जरा जायकेदार खाना खाना चाहता हूँ। और मैं क्या करूँगा? आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। बहुत कस के भूख लगी है, जगह नहीं मिल रही कि बैठने की। आप इधर बैठेगा? अरे नहीं नहीं, कौन है? यहाँ बैठे। नहीं नहीं बैठे, हम वहाँ बैठे। चलो ठीक है। वो वेटर वहां लगा हुआ, बुलाओ उसे यार। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने जान लिया हूँ। आई नो दैट मैन, आई नो हिम, ही इज एमएफ हुसैन। वे, ओह माय गॉड, अरे नहीं नहीं, वो नहीं है रे। ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं इसे जानता हूँ, ये वो कंगाल पार्टी चिपकू चंद चौरस से आया है। जहाँ देखो उधार मांगता रहता, बहुत बड़ा शराबी है। और तुम उसके कपड़ों में मत जाना, तुम उसके करीब से भी जाओगे तुम्हारा बटवा मार लेगा। डेंजरस मैन। अच्छा काम करते हैं, हम किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। नहीं तो ये आदमी मेरे से यहाँ उधार मांगने लगेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो आ जाओ। ओके। नो नो नो, हुसैन अंकल, हम मिलेंगे आपको कहाँ?
मर गए। ऑटोग्राफ प्लीज। मेरी ऑटोग्राफ? You're a great artist। रुको। आप बहुत अच्छे हैं। एक मिनट। अरे ऑटोग्राफ मैंने अपने ही हाथ में कर दिया है यार, कौन ले? दादाजी। हाँ बेटा। दादाजी आपसे कुछ कहना था। कहो। समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करूं। एक बहुत घिनौनी खबर है जी। घिनौनी? हाँ दादाजी, और अगर नहीं कहा तो इस घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। क्या मतलब? दादाजी वो शिखा है ना, शिखा। उसे क्या हुआ? उसे नहीं, उसके पिताजी को होने वाली है बहुत जल्द जेल। दादाजी पता चला है कि वो दो नंबरी आदमी है, स्मगलिंग ड्रग्स का धंधा करता है। और दादाजी उसकी माँ के बारे में बताते हुए मुझे तो शर्म आती है राम। पता चला है कि वो होटलों में बैठ के दिन रात शराब पीती है और जुआ खेलती है, वो भी किस पत्ते वाली रम्मी। दादाजी ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते हुए हमें पता चल गया कि वो लोग खानदानी नहीं है, वरना हम लोग बदनामी के कीचड़ में गले तक धंस जाते, अनर्थ हो जाता दादाजी। ठीक है जी दादाजी। क्या ये क्या कह रहा है? तुम्हारा बाप स्मगलर है? तुम्हारी माँ क्लबों में जुआ खेलती है? 21 पत्तों की रमी खेलती है वो? तीन पत्तों की? आमाश, तीन पत्तों की रमी नहीं होती है, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या सजा होनी चाहिए इसकी? नहीं, इससे भी बड़ी सजा है मेरे पास। तुम इससे शादी करोगे। दादाजी बाप स्मगलर? स्मगलर इसका बाप है ये नहीं। और माँ? पत्ते इसकी माँ खेलती, ये नहीं खेलती दादाजी खानदान। और अगर ये सब सही भी है तो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में? तो वो कीचड़ है, ये मेरे लिए कमल का फूल है। दादाजी खानदान, आज तूने मेरी बहू को रुलाया है इसलिए माफी मांग इससे। दादाजी मैं क्या? माफी मांग। अरे दादाजी मैं क्या? मांग, ये ले माफी दे। भरतनाट्यम क्या करता? सीधा मांग। माफ कर दो जी, क्या जादू कर दिया दादाजी पे। मेरी बहू को सताए ये उसका नतीजा है। खुश? आज तुमको हो क्या गया है? इधर से उधर, उधर से इधर। Want a lick? Thank you, darling. Tell me something. उसे तुम किसे भाग रहा था? What's his name? Chip? Chip? हाँ वो चिपकू चंद चौरसिया। क्या हुआ? वो तो शराबी है ना? अरे माँ शराबी। Plays cards, जुआरी। पीक पट्टे की रमी खेलता है। और no money, कंगाल भी है। माँ कंगाल, चपटे को भीख मांगते रहता है। साब, साब, साब। Then who's this? ये तो मेरे दादाजी हैं। You cheat, you liar! ये तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारा grandfather, तुम्हारा कुछ छोड़ बोला। छोड़ बोला? हाँ, अब समझा। क्या? तुम्हारे घर में दूसरा वुमन है। नहीं नहीं। दूसरा लड़की है तुम्हारे घर में। हम उसको बाहर निकालेगा और हम अंदर जाएगा। हम अभी पकड़ते हैं। Hello, excuse me. अरे सुनो। मेरे घर में कोई नहीं है। Promise. हम देख लेगा उसको। देख। अरे काकी, काकी एक मिनट। दादाजी हैं घर में? कहीं बाहर गए हैं। अरे वाह 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 वाह। अरे शिखा, ए शिखा, अरे कहाँ मर गई शिखा? अरे ओ शिखा, शिखा चलो जल्दी बाहर निकलो। देखती हूँ उस घर से मुझे कौन निकालता है। किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे निकाले? हम निकालेगा। चलो इधर से 1 2 3 हो जाओ। क्या कहा? 1 2 3? अरे मैं तेरा 4 5 6 कर दूंगी। ऐसी पिटाई करूंगी कि सारा रंग उतर जाएगा। आई बड़ी इंग्लिश फॉर्मूला। इसी इंग्लिश फॉर्मूला ने तो राज को मैड कर दिया है। पागल, यू नो पागल। अरे बाप रे, ये महाभारत तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं भीष्म पितामह आ गए तो? ओह माय गॉड, हाथे की हथौड़ा। तुमने हमारा दांत तोड़ा, हम तुम्हारा हाथ तोड़ेगा। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी, देखती हूँ कैसे चलती है तू। तुम हमको इतना मारा, हम तुम्हारा बाल नोचेगा। मैं तेरे बाल की खाल नोचूंगी। Raj loves me, he's mine. Raj मेरा है। No, he's mine. मेरा है, mine, मेरा है, mine. Of course not, he's mine. मेरा है, mine.
राज दोनों का है।
दादाजी। जीते रहो बेटी। राज जी, तुमसे बात करनी है। क्या बात है दादाजी? बेटा तू उस दिन बिल्कुल सही कह रहा था, शिखा से तेरी शादी नहीं हो सकती है। क्यों दादाजी? देखना, उसका बाप स्मगलर है। था। अरे मगर चोर चोरी से जाता, हेरा फेरी से थोड़ी जाता। नहीं दादाजी। और फिर उसकी माँ शराबी है। थी, अब नहीं। वो भी थी मगर जुआ रमी खेलती है, 21 पत्तों की रमी खेलती है। वो भी खेलती थी, अभी तो पत्तों का पत्ता कट हो गया। और झगड़ालू औरत है वो। थी, वो भी थी। फिर भी पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है। मैं कहता हूँ कि नहीं हो सकती वो इस घर की बहू। ले जा शिखा को, इस फूल को, उसी कीचड़ में छोड़ के आ जा। नहीं दादाजी, आप ही ने तो कहा था कि कमल का फूल तो कीचड़ में खिलता है। वो मैंने कहा था। कहा है? नहीं, अभी मैं कुछ और कह रहा हूँ। और अब जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुझे सख्ती से अमल करना है। इनकार बिल्कुल नहीं चलेगा। शिखा इस घर की बहू बन सकती है। चलो फौरन उसके माँ बाप को लेकर मेरे पास आओ। जी। माँ बाप को? क्यों, उसके माँ बाप हैं या वो भी था हो गए? नहीं नहीं, है ना। है ना, जाओ लेकर आओ। चल। माँ बाप, तुमने मुझसे कहा था दादाजी के लिए बहू लेकर आ, मैं लेकर आ गई। आप कह रहे हो कि बहू के लिए माँ बाप लेकर आ, कल को कहोगे कि बच्चे लेकर आ, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी यहाँ? उफ़ यार दोस्त, वो मैदान मैं संभाल लूंगा लेकिन ये मैदान तो तुझे ही संभालना होगा। लेकिन दादाजी को कौन संभालेगा जब उनको पता चलेगा कि ये सब मैं कर रही हूँ? बिना मुकदमे के मुझे फांसी के तख्ते पे लटका देंगे। हाँ। देख बाके, तूने शिखा को अपनी बहन माना है कि नहीं? माना है कि नहीं? हाँ। तो फिर तू नहीं चाहता कि वो उसका घर बस जाए, वो खुश रहे? कुछ करना यार। करती हूँ। माँ बाप अगर मेरे होते ना, सामने खड़ा कर देती। अरे हाय हाय, तू चीज बड़ी है। शर्म कर, शर्म कर, शर्म नहीं आती मेरे को? छेड़ते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ कम हो गया। रोज नहीं जुआ। जो बोले सो निहाल, सस्रेकाल, सस्रेकाल, सस्रेकाल। ओए सस्रेकाल, पर तू ऐन दस, तू मुंडा के कुड़ी? छी, मैं लड़का हूँ। बीफ अ बॉय। ए बॉय। पापा जी, आप एक छोटा सा मेरा काम करेंगे? हाँ जी जरूर करेंगे। आप पिताजी और आप माताजी बनेंगे? हाँ जी जरूर बनेंगे जी। मैं क्या पागवान ने पलिया पलाया मुंडा मिल गया ना, की गल है, मंजूर है तेनू? ओए पैर छू ले मत, जल्दी तेरी पे माजी। हम दोनों प्यार करता, तुम आके मिट्टी चावल डिस्टर्ब करता। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप माँ बाप बनना पसंद करेंगे, मैं पैसे दूंगी। हम माँ बाप? ये सब आपके बच्चे हैं? हमारा। आप काम क्या करते हैं? यही काम करता मैं। ओए माँ। हे भगवान। भगवान के नाम दे दे भैया। अल्लाह के नाम पे दे दे। भगवान के नाम दे दे भैया। अल्लाह के नाम पे दे दे। दे दिया। हे भगवान, मेरी लाज रखना। अरे रे रे, संभालो, इतना मोटा चश्मा पहना तभी भी दिखता नहीं तुम्हें। हाथ पकड़। और सुनो, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। नहीं, गड़बड़ मत करना, संभालना बिल्कुल। हमने बहुत फिल्में देखी। कुमार निरूपा राय। क्या हुआ? कितना बड़ा घर। हरकतें बिल्कुल भिखारियों जैसी है। चलो आ जाओ, आ जाओ। दादाजी आइए, आइए अंकल आंटी आइए। दादाजी ये मुंगेरी, मुंगेरी लाल अंकल। और मैं हूँ चंपा, शिखा बेटी। हाँ बेटी, आइए आइए। भगवान भला करे आपका। करे आपका। अच्छा अच्छा, हाथ मिला रहे हैं। आइए बैठिए बैठिए। अरे जमीन पे बैठ गए। लड़की वाले जो ठहरे, आइए अंकल ऊपर सोफा पे बैठिए। आइए आइए, जमीन पे बैठ गए आप लोग, बैठिए। बस सीधे साधे लोग हैं, कुछ हुआ है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा खैर, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। ये मेरे बेटे का बेटा, मेरा पोता और मैं इसका दादा हूँ।
भगवान आपका भला करे। ये शायद आप लोगों के आशीर्वाद देने का तरीका है। वैसे बड़े धन्य हैं आप लोग के भगवान ने आपको ऐसी बेटी दी है। इनकी जोड़ी बनाए रखी। आप बैठिए ना आंटी, आप भी बैठिए। कितने सीधे साधे और शुद्ध विचार हैं आप लोगों के, इतने बड़े होकर। अरे हम बड़े कहाँ हैं, हम तो भिखारी हैं। भिखारी? उसके उसके हम सब भिखारी हैं ना यहाँ क्या? अच्छा अच्छा उसके क्या फिलोसफी है? मैं डर गया कहीं सचमुच के भिखारी तो नहीं है। आप जैसे नेक इंसान तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अरे बाबा हमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही लोगों को ढूंढ लेते हैं। कभी धूप में, कभी छाव में, कभी शहर में, कभी गांव में। बिजनेस कारोबार हर जगह तो इनका इनका काम फैला हुआ है ना, तो इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना अंकल? क्यों अंकल? वेरी बिग बिजनेस, वेरी बिग। लीजिए चल पान आ गया। ये लीजिए साहब, मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं अंकल, आपको तो डायबिटीज है दादाजी, इनको तो मीठे की शिकायत है। मुंह तो मीठा करने दे पहले दादाजी, नहीं हेल्प, सॉरी अंकल। लीजिए। अच्छा तो चलिए फिर, आज से आपकी बेटी आपकी नहीं हमारी होगी। हमारी थी कब? इनका मतलब है कि बेटी तो पराया धन होती है ना। अंकल आपकी तो फ्लाइट का वक्त हो गया, अब आपको चलना चाहिए। दादाजी अब इनको चलना चाहिए। चलिए जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए। कौन कौन है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्रधान मिसेस डिसूजा। इंस्पेक्टर अंधी बुढ़िया को अरेस्ट करने आया? नहीं मिसेस डिसूजा, मैं तो ये पता करने के लिए आया, कल जो लड़का तुमसे मिलने के लिए आया था वो कौन है? वो मेरा भांजा, वो जॉनी, जॉनी राठा। और वो आपकी भतीजी ललिता आपसे मिलने के लिए नहीं आई? कौन कौन ललिता? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती कौन ललिता। देखिए मिस्टर डिसूजा, शायद आपको मालूम नहीं, जेबी शहर में आ चुका है और वो ललिता की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अगर आपने मुझे ललिता का पता नहीं बताया तो ललिता की जान को खतरा बढ़ सकता है। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज है कि ललिता की हिफाजत करूं, समझ रही हैं ना आप? हम सच बोलता, हम ललिता को नहीं जानता। अंधी बुढ़िया सच सच बता, बता, बता ललिता कहाँ है? हम अंधा जरूर है पर अच्छा बुरा सब पहचानता है, जेबी नहीं बताएगा ललिता कहाँ है, नहीं बताएगा। बुढ़िया नहीं, ललिता का पता जेबी को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बोल, बता। नहीं बताएगा। बहन अभी भेस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो आंटी, आंटी इस दुनिया में नहीं रही, उसे किसी जालिम ने मार दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाकी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आंटी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था उनका। कमीनी जेबी ने उन्हें जान से मार डाला, मुझसे पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हिम्मत से काम लो बहन, तुम्हारे साथ राज है, दादाजी हैं, तुम्हारा ये भाई है। बांके भैया तुम नहीं जानते, वो ऐसा काला सांप है जो धरती का सीना फाड़ कर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और मेरी सारी खुशियों को टस लेगा, मेरी सारी खुशियों को टस लेगा। Ha ha ha!
हमारी नींदें हराम करके खुद चैन से सो रही हो। सिलसिला हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। नहीं ललिता, हम तुम्हें मार नहीं सकते, हम तो खुद मर चुके हैं। तुम्हें मालूम तुम बहुत चाहते हैं। ललिता, तुम्हारे होंठ बहुत सुंदर हैं और ये आंखें बहुत ही कातिल। शिखा, क्या हुआ? राज, अरे तुम कांप रही हो, तुम चीखी क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मैं? मुझे क्या होने लगा? ओह, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। इस वक्त तो तुम्हारे लिए नींद बहुत जरूरी है, बातें तो कल सुबह भी हो सकती हैं। लेकिन राज, कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलो जाओ सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है प्लीज। और कहीं बातें करने बैठ गए और दादाजी उठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट। जेबी साहब, जयराम जी की। जेबी साहब, जयराम जी की। सरकार भरतपुर से रंजीत साहब ने आपके लिए विलायती आम का तोहफा भिजवाया। सरकार हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया कह देना जी। ये हाँ रख दो जी। हाय 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 हाय, सरकार ये कहाँ जुल्म कर दिया है, हमारे बुलबुल को फोटो में कैद कर दिया है। अरे तनिक देखिए तो सही, ये हिरनी जैसी आंखें, ये रस भरे होठ, ये भरपूर जोबन। अरे सरकार, हमको तो मौका ही नहीं मिला, वरना सरकार सरकार गंदी नाली के कीड़े, तेरी ये जुर्रत के हमारी चाहत पर। नहीं सरकार, कौन गलतफहमी है, ये तो नचन आ रही है, हमारे भरतपुर में बाके की नौटंकी में नाची थी सरकार। कौन बाके की नौटंकी में हमारे भरतपुर में नाची है सरकार। मुझे ही बांके नौटंकी वाला कहते हैं, धार्मिक से मॉडर्न तक
रामायण से महाभारत तक सभी नाटक तैयार मिलेंगे आपको यहाँ पर। कहिए आपको क्या चाहिए? बाकी हमें वो लड़की चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे थिएटर को आज चार चांद लग गए। मैं कुछ समझी नहीं, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? ललिता कहाँ है? कौन ललिता? मैं किसी ललिता को नहीं जानती। हम किसी ललिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ललिता के बारे में पूछ रहे हैं। हम अपनी जान को पाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। बताओ ललिता कहाँ है? कहाँ है ललिता? जेबी, जब तूने मेरी बहन को ललिता के नाम से पुकारा ना, मैं तभी समझ गई कि तू वो कुत्ता जेबी है। मेरी बहन का पता चाहिए ना, बताती हूं। कुत्ते, ये है मेरी बहन का पता। मार जितना मार सकता कुत्ते मार। मैं अपनी बहन का पता नहीं बताऊंगी। दादाजी मेरी बात माने ना माने, शिका तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुमको तो जैसे मुझे डर लगेगा ना तो मैं आके बंद कर दूंगा। बांके भैया, कहाँ हो तुम? आज मैं तुम्हें वो खबर सुनाने आई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगे। दादाजी ने मेरी और राज की शादी की तारीख पक्की कर दी है। मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा अपना घर संसार होगा। भैया वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने हाथों से अपने बहन को डोली में बिठाकर विदा करोगे। लो मैं खुद बोले जा रही हूं और तुम हो के भैया। बाके भैया, बाके भैया कहाँ हो तुम? बाके भैया, अब अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं चली जाऊंगी। ललिता, तुम्हें तुम्हारी दूसरी शादी मुबारक हो। किसी और का घर बसाने चली हो, हमारा घर उजाड़ के कहाँ जा रही हो? मंडप से भागकर हमारी दुल्हन किसी और की सेज सजाएगी। सुनो ललिता, सुनो तो, हम अपने जीते जी तुम्हें अपने से दूर कैसे होने देंगे? ललिता, मैं
ललिता तुम सिर्फ हमारी हो और हमारी ही रहोगी। शिखा, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। बेटी, चोट लग जाती तो? ललिता, जब से हमें पता चला है तुम जिंदा हो, हमारी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई है। हम सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं ललिता। तेरे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वास्ता किस नहीं? वास्ता है। ऊपर वाले ने तेरे लिए सिर्फ तीन मंजिलें बनाई हैं। पैदा होने से पहले तेरी माँ के पेट में, मरने के बाद चिता पर, और जब तक जिंदा रहेगी तो हमारी बनकर रहेगी। आधे फेरे तुम तेरे साथ ले चुके हैं, आधे फेरे अब लेंगे हम तेरे साथ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। इस बार हम शादी बड़ी धूमधाम से रचाएंगे। गाने क्या सबूत है कि ये तुम्हारी धर्मपत्नी? हाँ, तुम लोगों को क्या हक है कि तुम मुझसे सबूत मांगो? फिर भी तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए सबूत दूंगा। ये देखो श्रीमान जी, इसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। अभी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं, तो मैं आपको इससे बड़ा सबूत दिखाता हूं। आओ जी। ये क्या है बेटी, ये क्या है? क्यों इस उम्र में मेरे मुंह पर गालक पोत रही है तू? क्यों दुनिया के सामने मेरी नाक कटा रही है? तू अपने पति का घर छोड़कर किसी गैर के घर चली आई? मैं
चाहे तो बीच चौराहे पे मुझे तो जूते मार ले। ऐसा काम मत कर मेरी बच्ची, ऐसा काम मत कर। चल मेरी बच्ची चल। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, ये सब झूठ है। चल अंदर। विनाश काल विपरीत बुद्धि, अकल की दुश्मन, इतना बड़ा महल छोड़कर उस कबूतर खाने में चली गई थी। मुझे जाने दो। सरकार संभालो। ठीक है मत दीजिए, अब तुम जाओ। नहीं बाबा जी। ललिता, तुमने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझा। शरीर दम तुम्हारा कभी भी हासिल कर सकते थे, मगर हम तुम्हें छीनना नहीं, हम तो तुम्हें प्यार से जीतना चाहते थे, हम तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, मगर तुमने हमारे प्यार को तुत्कार के हमें मजबूर किया है कि हम तुम्हें जबरदस्ती हासिल करें। आज के बाद तुम जहां भी जाओगी, जेबी की जूठन कहलाओगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ना ना ललिता, तुम रोगी नहीं, कभी नहीं रोगी। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ ना, हंस के दिखाओ। मदी, जश्न की तैयारी करो, हमें हमारी ललिता से कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना सदमा मत लीजिए राय साहब, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या सदमा रशीद? जिंदगी में पहली बार किसी को दिल ने बहू माना, बहू से ज्यादा बेटी माना। जिसको बहू समझा वो किसी और की पत्नी निकली। मालिक, मेरा मन तो अभी भी नहीं मानता कि शिखा बेटी है इस दुर्गा तरह। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरे पोते ने मेरे साथ फरेब किया, किराए की बहू लेकर आया घर में। मानता हूं कि मैं किराए की लड़की इस घर में ले आया ताकि आपकी सेहत ठीक हो जाए दादाजी, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही तो मेरे माँ बाप दादा सब कुछ हैं, और फिर इस बात के गवाह रशीद अंकल खुद है, आप पूछ लीजिए इनसे। मैं तो शिखा से प्यार करने लगा था, उससे शादी करना भी चाहता था दादाजी। धोखा मैंने नहीं, धोखा तो दिया है बांके ने। उसने हमारे खानदान के साथ खिलवाड़ करना चाहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा दादाजी। बांके, अपने मुंह पर चूना लगाते लगाते तूने अपने दोस्त के मुंह पर भी चूना लगा दिया। अबे कहाँ है तू? तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे मैंने जिंदगी में किसी को नहीं चाहा शिखा के सिवाय, और उसे मेरी जिंदगी में लाने वाला भी तू था, जबकि जानते हुए कि वो शादीशुदा है। अरे इतना बड़ा धोखा, अब तो बोलता क्यों कुछ? बांके,
ललिता, हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दें? हम तो मरकर भी तुमसे जुदा ना हो।